नमस्कार। वेदांत के 4 महावाक्यों में से सर्वं खल्विदं ब्रह्म का एक विशेष स्थान है। यह महावाक्य छांदोग्य उपनिषद के 3 अध्याय के 14वें खंड से है। यही महावाक्य निरालंबोपनिषद में भी पाया जाता है। इस लघु वाक्य का अर्थ है कि यह सारा विश्व केवल ब्रह्म ही है। लेकिन इस बात को सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि यह कैसे संभव है। आखिर इस ब्रह्मांड में बहुत से तारे, ग्रह, पहाड़, नदियां, जानवर, पेड़, मनुष्य आदि कई विविधताएं हैं। फिर सब कुछ केवल ब्रह्म ही कैसे हो सकता है? घबराएं नहीं, उपनिषद इस प्रश्न का उत्तर भी देता है। आइए इस बात को विस्तार से समझें और इस महावाक्य में बताई गई गहन सोच की सराहना करें। जैसा कि मैंने बताया, सर्वं खल्विदं ब्रह्म का अर्थ है कि ये सारा जगत ब्रह्म ही है। इस लघु वाक्य का अगला भाग है तज्ज्लान इति शांतोपासी। यहाँ तज्ज्लान शब्द का अर्थ है वो जो तज्जम, तल्लम और तदानम है। तज्जम यानी सब कुछ ब्रह्म से आता है। तल्लम अर्थात सब कुछ ब्रह्म में वापस चला जाता है। और अंततः तदानम यानी सब कुछ ब्रह्म द्वारा ही स्थापित है। इस प्रकार इन 3 कारणों से सब कुछ केवल ब्रह्म ही है। उपनिषद कहता है कि इस जीवन में हम जिसका ध्यान करते हैं, दुनिया छोड़ने के बाद हम वही बन जाते हैं। इसलिए हमें केवल ब्रह्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। खंड का दूसरा श्लोक हमें ब्रह्म के उन गुणों के बारे में बताता है जिन पर हमें ध्यान केंद्रित करना है। ब्रह्म के मन द्वारा पूरा विश्व नियंत्रित होता है। ब्रह्म का शरीर सूक्ष्म है और वह प्रकाशमान है। वह कुछ भी पाने में सक्षम है। वह आकाश के समान निष्कलंक है। सारा संसार उसी की रचना है। इस विश्व की सभी इच्छाएं उस ब्रह्म की इच्छाएं हैं। सारी गंधें उसी के हैं और सभी स्वाद भी उसी के हैं। वह दुनिया में हर जगह है, परंतु उसके पास ना ही स्वयं की कोई इंद्रिय है और ना ही अपनी कोई इच्छा है। खंड का तीसरा श्लोक हमें आत्मन के बारे में बताता है। ये कहता है कि मनुष्य के हृदय में जो आत्मन है वो चावल के दाने से भी छोटी है, जौ के दाने से भी छोटी, सरसों के दाने से भी छोटी, बाजरे के दाने से भी छोटी और बाजरे के दाने के बीज से भी छोटी है। परंतु फिर भी आत्मन पृथ्वी से विशाल है, स्वर्ग से भी विशाल और सभी लोकों से भी विशाल है। खंड का 4था एवं अंतिम श्लोक हमें बताता है कि आत्मन और ब्रह्म एक ही है। ये कहता है कि वो जो एकमात्र निर्माता है, जिसकी इच्छाएं सभी की इच्छाएं हैं, जिसकी गंध सभी की गंध है, जिसका स्वाद सभी का स्वाद है, जो हर जगह है, जिसके पास कोई इंद्रियां नहीं है और जो इच्छाओं से मुक्त है, वह आत्मन है। यह आत्मन कोई और नहीं बल्कि ब्रह्म ही है। जो यह मानता है कि इस शरीर को त्यागने पर वह परमात्मा में लीन हो जाएगा, उसे उस परमात्मा अर्थात ब्रह्म को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए सदैव केवल ब्रह्म पर ही ध्यान केंद्रित रखें। मुझे आशा है कि आपको सर्वं खल्विदं ब्रह्म की यह व्याख्या पसंद आई होगी। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।